असेंबली में कायदे हिस्बे इख्तलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब कोई झड़लू इलेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, मुल्क को सिविल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए, जबकि मुल्क के तमाम आईनी इदारों से मुतालबा है कि साफ शिफाफ इंतखाबात कराएं। अगर ऐसा हो जाए तो यही इनकी मफाहमत है। नू लीग के रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने खुद पार्टी कायद नवाज शरीफ से बात की। जावेद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी के बास रहनुमाओं का दबाव भी था और ये कशीदगी पहले से चली आ रही है कि पार्टी में बयानियां किसका चलेगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली सरदारी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुतालिक ज़ेर इल्तवा केसेस पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 20 सितंबर से इन केसेस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मिलने वाली सस्ती चीनी की ओपन मार्केट में फरोख पकड़ी गई। इस्लामाबाद पुलिस की ईगल स्क्वाड ने यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी से भरे गाड़ी पकड़ ली। पुलिस ने चीनी से भरी गाड़ी और ड्राइवर को एफआईए की तहवील में दे दिया। शेखपुरा में डाकुओं ने वालिदैन के सामने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की, वाकई का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतासरा खानदान की निशानदेही पर 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह के मुताबिक 3 डाकू रात के घर में दाखिल हुए, उसे बीवी और बेटी समेत एक कमरे में बांध करके हाथ बांध दिए और बेटी को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाद गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 63 अफराद इंतकाल करके, जबकि 2512 नए मरीज सामने आए। सियालकोट में खातून से 5 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और अगवा का केस का ड्रॉप सीन। डीपीओ का कहना है कि खातून को किसी ने अगवा किया और ना ही ज्यादती साबित हुई। शोहर ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज कराया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा भाक ने उमर शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से मुतलिक तफसीलात जाहिर कर दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उमर शरीफ की फैमिली के वीजों का मामला हल हो गया है। और दौरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद से रवानगी कुछ देर बाद होगी। वज़ीर दाखला शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वतन वापसी के लिए होटल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी है।